जो मालिक है यहाँ के, हिमांशु राठौर। गाइस ये रहा अपना नया वाटर पार्क। यहाँ पर मजा आ रहा है काफी, और मैं पानी के भीतर आ चुका हूँ। ये है सबसे मेन झूला यहाँ का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मिरेकल सिटी, जो बरेली में सेकंड नंबर पे आता है फन सिटी के बाद में। तो अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं, दिखाते हैं, मजा आने वाला है, मजा बहुत आने वाला है। आप लोगों को सारी चीजें दिखाएंगे, और गर्मी बहुत तेज लग रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है। अपने धनों के साथ सफर करते हुए चलिए चलते हैं। पहले तो यही बताऊंगा कि यहाँ का रोड थोड़ा खराब है, जगह मिलती भी नहीं है जल्दी। अब मैं आगे दिखा देता हूँ, आगे दिखा देता हूँ। ये आ गया मिरेकल सिटी, इन्होंने लग रहा खेतों में बनाया है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनी पर। ये रही मिरेकल सिटी, आप लोगों को बैक कैमरे में दिखा दूंगा, अभी तो उल्टा दिख रहा होगा। ये देखो काफी शांत वातावरण में, शहर से दूर अपने बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में आ सकते हैं आप लोग। ये रहा टिकट, यहाँ पर टिकट मिलेगा, हम लोग टिकट लेने चलते हैं। चलो भाई, 150 रुपये का टिकट मिला है यहाँ पर। लो भाई बाइक है, हाँ बाइक है। यहाँ पर बाइक ला सकते हैं आप लोग, और ये हम लोगों ने एंट्री ले ली है। सही है यार, हरी भरी घास कर रखी है, इधर नया पुल तैयार हो रहा है। अंदर घुसते ही एकदम आपको सीधे सामने गार्डन देखने को मिलेगा, साथ ही में झोपड़ी देखने को मिल जाएंगी जो कि रेस्टोरेंट टाइप की हैं। और सामने लेफ्ट साइड में पड़ेगा आपको जो कि वाटर पार्क के लिए रास्ता गया है। आज हम लोग आए हैं मिरेकल सिटी, यानी कि ये बरेली में, जैसे फन सिटी आप लोगों ने सुना होगा ऐसी मिरेकल सिटी है बरेली में। आपको चंदपुर में एक पेट्रोल पम्प पड़ता है, बदायूं रोड पर मिलेगा आपको, बदायूं रोड पर। आप गाइस ये रहा अपना नया वाटर पार्क, बरेली में सेकंड नंबर पे है फन सिटी के बाद में। देखो काफी अभी तो लोग नहीं है यहाँ पर, इक्का दुक्का लोग हैं। वैसे बढ़िया जगह है यार, अगर शांति वाली जगह चाहिए और आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करना है, अकेले एंजॉय करना है, तो आप लोग आ सकते हैं। कपल्स के लिए भी है, फैमिलीज के लिए भी, बच्चे के लिए भी है, और बढ़िया लोकेशन भी है। बदायूं रोड पर सीधे आना है, कहीं जाना नहीं है। बदायूं रोड पे आपको चंदपुर पूछ लेना है, चंदपुर में आके मिरेकल सिटी का एक बोर्ड लगा होगा, वहीं पर ही है आप। अभी आ रखी है करिश्मा, अभी एंट्री मारी है तुमने। गौरव भाई ठंडा आ गए क्या? कूदो यार जाम है। सौरभ कूदो जाम है। तो गाइस अभी हम लोगों ने पानी में थोड़ा सा नहा लिया, चेक कर लिया कि कितनी गहराई है और कितना मजा आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं गौरव भाई यहाँ पर अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी कंटिन्यूस ब्लॉगिंग करते हुए। और भाई इस पार्क में मजा आ रहा है ना भरपूर? बिल्कुल। अरे यार अभी तो ये अभी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर एंजॉय करने। कहाँ से आए भाई लोग? दातागंज से। और ये तो हमारे टीम मेंबर हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारा भाई आया हुआ है आज। हाँ भाई कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? तो ये मिनी स्विमिंग पूल है, ये बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जिसकी लंबाई थोड़ी मुश्किल से 3 या 4-5। क्या कहना चाहोगे भाई? बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद। बिल्कुल भाई, योगी भाई जिंदाबाद। ये छोटे बच्चों के लिए उनकी लंबाई के हिसाब से ठीक बनाया है। अभी क्या है, स्टार्टिंग है यहाँ की। ये झूले हैं जो कि शाम के समय यहाँ पर आप लोग आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, शाम को स्टार्टिंग होती है। यहाँ की लाइटनिंग इतनी जबरदस्त है कि आप लोग देखने लायक है, लेकिन हम लोग रात को नहीं है तो यहाँ पर रात का सीन दिखा नहीं सकते अभी। और ये काफी अच्छी जगह बन रही है अभी, मतलब इसकी शुरुआत चल रही है। बड़ा सा स्विमिंग पूल इधर भी बन रहा है एक, यहाँ पर अभी काफी हट्स वगैरह बनी हुई थी, वो उस साइड में मैं दिखा दूंगा। झूले भी बने हुए हैं। गन्ने में आए मशरूम चलता है और बाल्टी भी चलती है, बाल्टी से पानी निकलता है, चारों तरफ गिरता है वहां पर, वहां से लोग छलांग भी मारते हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग में दिखा देंगे। और ये दीदी आ रही है, यहाँ पर इनके भैया का ही पार्क है।
नहीं काफी अच्छा है, डेकोरेशन भी काफी अच्छी कर रखी है, ग्रीन भी बना रखा पूरा। ये दीदी हैं, ये दीदी के भैया का ही पार्क है क्या, जो मालिक है यहाँ के? हिमांशु राठौर। तो यहाँ के मालिक है हिमांशु राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं दीदी वो? कहाँ के? घटका रहमान। ये जगह कहाँ पर है? घटका रमन बल्लिया के पास में, जो बिचुरिया से आगे पड़ता है, द्विचरा में जो हम लोग सीधे रास्ता चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। सौरभ कुछ कहना चाह रहे हो? बहुत अच्छा पार्क है ये। अभी दीदी ने, अभी मामा ने इनके थोड़ा बहुत पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है। अभी स्टार्टिंग है यहाँ की, आने वाले समय में शायद यही पार्क काफी अच्छा चलने वाला है। जैसे फन सिटी में कोई भी चीज जीरो से ही स्टार्टिंग होती है। और तो तेरा यहाँ पर मेकअप भी छूट चुका है, तेरे को तो मेकअप किट लाने की जरूरत थी। बिना मेकअप के भी जो लड़कियाँ यहाँ पर नहाने आती हैं, वो मेकअप जो करती हैं, उनको यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी मेकअप की किट लेके आए। पानी में भींगने के बाद में आप लोग देख सकते हैं अभी गड्ढे में गिर गई सीधे। तो गाइस अभी थोड़ी बहुत रील वील बनाएंगे, आप लोगों को इसमें ऐड करके दिखा देंगे। और अभी सौरभ, चलो भाई सौरभ, तुम्हें गिरना है तुम्हें? अबे ऐसे थोड़ी ना गिरना है, ऊपर आओ। तो यहाँ पर मजा आ रहा है काफी, और मैं पानी के भीतर आ चुका हूँ। वो बाल्टी आप लोग देख सकते हैं, बाल्टी दो तीन बार घूम जाती है जैसे ही पानी फुल हो जाता है। ओए पानी में भीग जाएगा यार। सारे अगर पानी में भींगो ना गाइस, गद्दार लोग आ रहे हैं। ये महान शैतान, महान कुलंडी बच्चे हैं बरेली के। सबसे बढ़िया सीन तो भाई यहीं का लेने के लायक है। अगर आप लोग फोटो शूट कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो भैया गौरव भाई यहाँ का सीन लेने लायक है, जबरदस्त सीन। तो करिश्मा यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रही है 150 रुपए में। और ये सनी लियोनी की तरह पोल से चिपकते हुए सौरभ भाई। अभी आप लोग देख सकते हैं मैं पानी में फिर से कूदने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। हट जा। तो ये है बढ़िया सी जगह मशरूम, आप लोग ऐसे तन से चिपक सकते हैं। गाइस ये सीन बहुत बढ़िया है, कैप्चर करने लायक है। ये बाल्टी जो दिख रही है, इसमें पानी भर जाता है तो बहुत ही जबरदस्त सीन आता है। बाल्टी भर जाती है, अपने आप पलटने लगती है। और मैं आपको इसका इंतजार करूंगा, अभी दिखाऊंगा। ओए ओए ये बाल्टी पलट गई, नहीं पलटी अभी तक। तो गाइस अभी ये पलटने वाली है, बहुत ही अच्छा सीन आने वाला है, मैं आपको एकदम जबरदस्त सीन कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ। और ये हल्के हल्के पानी की रफ्तार तेज हो रही है, बाल्टी पलटने वाली है। तो भैया जो लोग जूते पहन के आए, जूते बाहर निकाल लें। और ये बाल्टी पलटने वाली है, और ये पलटने वाली है, और ये लोग इंतजार कर रहे हैं बाल्टी। मेरी सीट आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची, तुम हो सितारों के परे, हुई गलती सॉरी हमने गा। गाइस यहाँ पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं भाई, इतना आनंद तो हमने अभी तक नहीं लिया। मैं भी भीतर जाके ब्लॉगिंग तो बहुत हो गई, अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ भीतर को। गौरव भाई आराम से एंजॉय कर रहे हैं ब्लॉगिंग करते करते। इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है। सबसे पहली चीज अभी हम लोग गाने बजाने वाले हैं, गाना बजाने के बाद करेंगे स्विमिंग पूल में डांस, और सभी लोग एंजॉय करेंगे हमारे साथ साथ। तो चलिए चलते हैं। तो भैया एंजॉय कर लिया हमने, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। और हाँ दो डैशिंग बोला गौरव पीयूष ब्लॉग, दो चैनल 6,000 और 5,000। क्या नाम है आपका भैया? वो डैशिंग बोला, डैशिंग बोला। हाँ जी हाँ जी, मोनेटाइज हो गया, गोल्डन प्ले बटन आ गया, डायमंड भी आ गया, डायमंड भी आ गया। तो यहाँ पर हमारे कुछ यूट्यूब के फैन मिल चुके हैं, यूट्यूबर फैन। तो यहाँ पर कॉल आ रही है भाई। हाँ जी यार, चैनल सब्सक्राइबर और मोनेटाइजिंग हो? हाँ मोनेटाइज समय, हाँ एक को छोड़ के, टेडी पीजी वाला चैनल है एक हमारा, वो मोनेटाइज नहीं है अभी, स्टार्ट करा नहीं। मेहनत करो यार, अच्छी बात है। चीख आ रही है यहाँ पर, जुकाम हो गया हमें। तो गाइस ये लोग हैं,
और इन लोगों को बता दिया हमारा ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, स्पीकर भींगने का डर रहेगा, इससे हम लोगों ने गाने बजाए थे अभी। और धर्राटे भी काट रही है, धर्राटे तो काटती रहती है भाई, धर्राटे काट रही है ओम को। ले तो यहाँ से निकलते हैं अभी, जुकाम हो गया बहुत भारी, तो यहाँ से निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। गाइस यहाँ पर अभी समाप्त करते हैं ब्लॉग यहाँ पर ही, ठीक है। कुछ ज्यादा रहा नहीं अभी, अभी बहुत भारी नुकसान हो गया मेरा, मेरा कुंडल गिर के अभी बहुत मुश्किल से ढूंढा था, फिर मैं टेंशन है और बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा, टेंशन इतनी हो गई थी। तो अभी ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, अब हम लोग निकलते हैं इस साइड में, जो कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसा सीन है यहाँ का, क्या क्या जगह है, कहाँ बैठने की जगह है, क्या खाने की जगह है। अभी तो ज़्यादा स्टार्टअप नहीं हुआ है इसका, यहाँ अभी नया नया खुला है तो उसी हिसाब से दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं इस साइड में, यहाँ से सीधे आएंगे, आप पीछे से दिखा देता हूँ, ये रहा मेन गेट, से मेन गेट से सीधे आएंगे, इधर को जाएंगे तो वाटर पार्क मिल जाएगा उस साइड में, और आप इधर आएंगे ये झोपड़ी में बैठने की जगह है, यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट टाइप का है, काफ़ी चीज़ें खाने को मिलती, पहले स्टार्ट हुई तो अभी बीच में बंद हो गया है। इस साइड से आप जाएंगे तो आपको झूला झूलना है या इधर अपने पिकनिक मनाने आए हैं तो इस गार्डन में भी बैठ सकते हैं। यार अब हम आ गए हैं झूलों की तरफ, यहाँ पर बच्चों के लिए झूलने झूले लगे हुए हैं, झूलों का टिकट अच्छा अलग से मिलेगा। हाँ भाई तो झूले बेकार झूला है, तो झूले का क्या सीन है भैया? क्यों भैया झूले का क्या सीन है यहाँ पर, हम झूला झूल सकते नहीं? ये बहुत अकड़ूंगा इनका इनका बहु। अरे नहीं बताओ तो, ये बच्चों के लिए, बच्चों तो ये बच्चों के लिए झूला भैया बता रहे हैं, ये तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये बच्चों के कूदने की जगह है, इसमें तो कूद सकते हैं हम लोग, क्यों अभी चलेगा? अरे ये तो बताओ इसमें कूद सकते हैं हम लोग, ये भी बच्चों के लिए है। अरे वो तो चल जाता है यार, लेकिन चल जाए अकेले के लिए चलवाओगे। और यहाँ पर मिल जाएगी आपको, हम छोटे पे कहते थे ना भैया, यहाँ पर नाव मिलेगी आपको, 100 रुपए में आप बड़े बड़े झूले झूल सकते हैं। क्यों भैया 100 रुपए का टिकट है ना झूलों का, 100 रुपए में आप बड़े बड़े झूले झूल सकते हैं। सबसे बड़ा झूला आपको देखने को मिलेगा जो सर्कस वगैरह में मिल जाता है, जो बड़े बड़े मेले लगते हैं उसमें ये लगता है, ये है सबसे मेन झूला यहाँ का। अब धूप हो रही है बहुत तेज, मुझे लगता है ब्लॉग को यहीं समाप्त करना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ ज्यादा कुछ दिखाने का है नहीं। और अभी हम लोग चलते हैं, गौरव भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ दिखाने का है तो नहीं, तो ये भी अपना ब्लॉग शूट कर चुके। बहुत ही ज्यादा गर्मी है शाम के टाइम पे, 4 बजे के बाद अगर ब्लॉग शूट करना वैसे एंजॉय करना तो कभी भी दोपहर के टाइम कभी भी आ जाओ, सुबह 8 बजे से बहुत ज्यादा है, स्किन पे खुश्की हो गई, एक्सट्रीम ड्राइनेस हो गई है, ओट बिल्कुल फट चुके हैं। मेरी तरफ से जल्दी आ जाए या फिर लेट ही आना तो फिर साफ पानी मिल सकता है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ का खुलने का समय क्या है, वो भी बता देता हूँ, 8 बजे सुबह ओपन हो जाता है, बाकी शाम तक चलता है, ठीक है। ये कैंटीने अभी बंद चल रही हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कैंटीन अभी बंद चल रही है, क्योंकि दोपहर में यहाँ पर इतने लोग आते नहीं कैंटीन के लिए, तो आप लोग खाना पीना है तो दुचरा में जाके खा सकते हैं, दुचरा में काफी अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे क्यों ना, ये जगह बड़े बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आप लोग पिकनिक मनाने आ सकते हो, स्विमिंग पूल में अगर तैरना है तो तैरने आ सकते हो, एंजॉय करना है, फन सिटी से सस्ता पड़ जाएगा आपको, सस्ते में यहाँ पर घूमने आ सकते हो, बस इतना ही कहूँगा इस ब्लॉग में। आप लोग बाइक से आते हैं, कार से आते हैं वो तो ठीक है, अपनी सवारी हो गई, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ तक ऑटो आएगा तो आ जाएगा, वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ तक ऑटो भी आते हैं, ठीक है। और रामगा से आप लोग ऑटो पकड़ेंगे, रामगा से पता कर लेते हैं कितने रुपए लेते हैं यहाँ से। भैया रामगा से यहाँ तक के कितने रुपए लेते हो? 10 रुपए में आ सकते हैं, मात्र 10 रुपए में आप लोग, एक सवारी के 10 रुपए लगेंगे, सीधे वहाँ से रामगा से बैठो, सीधे मिरेकल सिटी पे उतार देंगे, ठीक है।
शाम के समय काफी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। ये रहा स्टैंड, अभी भूख लगी थी बहुत तेजी से तो गौरव भाई यहाँ पर समोसे लेते हुए अभी मिर्ची बहुत है इसमें तो ये सब लोग समोसे की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। समोसे खाने के बाद घर चलते हैं। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सारे हमने गाया तुम क्यों सुनिए किसकी मर्जी।